सर, नई दिल्ली क्षेत्र में ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो फूल है ये विदेशी फूल है और इसको NPMC अपने इलाके में पिछले कई सालों से 5-6 सालों से लगाते रहे, तो ये जो है कैसे किस तरह से ये आइडिया आया? हमें पहले से 5-6 साल से इसके हमें पहले इंट्रोडक्शन ग्रुप में थोड़ी सी लिया था पहले, उसके बाद उसके हमें दिखा दिल्ली की वेदर कंडीशन में ये टूलिप करना एक चुनौती चैलेंज था, सो इसलिए पहली बार हमें कभी क्वांटिटी लिया था। उसके बाद उसके चेक करने के बाद उस साल में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा सुपर ब्लूम आया था, तो उसके बाद हमें कंटिन्यूसली इसकी क्वांटिटी बढ़ाई, अगले साल में एक एक साल में क्वांटिटी बढ़ाई, फिर एक एक साल में लोकेशन भी हमें बढ़ कर दिखा, पहले एक दो लोकेशन में था, फिर उसके बाद हमें लोकेशन पहले मेजर गार्डन में था, लोधी गार्डन, चिल्ड्रन पार्क एंड मैडम तो डेयरी पार्क और लोधी गार्डन में था। उसके बाद अगले साल में इसकी परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद फिर हमें शादीपत में लेके गया और राउंड द बोर्ड में लेके गया और एम्स के पास लेके गया और इसी साल कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में भी लेके गया और हमें विंसर प्लेस में भी लेके गया, गोल चक्कर राउंड अबाउट और पालिका गेंदा में भी हम लगाते आ रहे हैं और तलकटोरा गार्डन उसमें भी और इसके अलावा 11 मूर्ति। सो ये जगह में हमें क्यों वहाँ पर लेके गया, बिकॉज जो गार्डन में विजिटर्स हैं, जो लोग आएंगे उनको पता होता है, लेकिन लाखों लाखों लोग हैं रोड पे जाते हैं, रोड पे आते हैं, सो फ्लोटिंग पीपल है नई दिल्ली एरिया के अंदर, जो फ्लोटिंग पीपल ज़्यादा आते हैं, देखिए विजिटर्स है, टूरिस्ट आते हैं, सो उनका नज़र में कैसे लेके जा सकते हैं, सो इसलिए मैंने इसके सारे टूलिप का पब्लिक प्लेस में लेके आया ताकि पब्लिक भी देखेंगे उसके जो खूबसूरत का एंजॉय करें। इसके वजह से अभी पूरा आपको चिल्ड्रन पार्क और एम्स का जो गोल चक्कर और शांतिपथ में गोल चक्कर और 11 मूर्ति और तलकटोरा गार्डन और मंडी हाउस और विंसर प्लेस और पालिका केंद्र और कनॉट प्लेस देखे सारे लोग इसमें, लाखों लाखों लोग देख रहे हैं, उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, हमारा टीम के लिए NDMC हॉर्टिकल्चर टीम है इतना अच्छा काम करते आ रहे हैं टूलिप में, इसके वजह से आज पिछले 6 साल से टूलिप का जो है क्यूरियासिटी पब्लिक के नज़र में बदल गया, इंक्रीज हो गया। बाकी अगर हम पौधे लगाते हैं लोग के तोड़ने के या स्टील करने के मन होती है कि, लेकिन ये फ्लावर है खास बात तो ये क्या है, पब्लिक की साइकोलॉजी भी बदल हो गया, बिहेवियर भी चेंज हो गया, बिकॉज पब्लिक उसके साथ वो बैठ कर फोटो खींच रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं रहे, उसके प्रसर्व करने के अभी लोग के सेंसिटाइज हो गया, एक अच्छा एक भावना आ गया, सो एक लैंडस्केप भी सिटी का पब्लिक का एक बिहेवियर चेंज करने के मदद करता है। तो NDMC एरिया में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का जो हॉर्टिकल्चर टीम है, सो हर वक्त ये सोचते रहे नया कैसे हम क्रिएट करें, नया जो हैपनिंग्स कैसे पब्लिक नज़र में पहुँचाएंगे और फ्लावर बेड का जो कैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ हमें सोच के समझ के पब्लिक नज़र में कहाँ कहाँ आएगा वहाँ पर हम कर रहे हैं। सर आप बताएंगे कि ये जो है ना ये तो फॉरेन फ्लावर्स हैं और इसके लिए यहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या इकोसिस्टम होना चाहिए, क्या ये यहाँ अडेप्ट हो गए इजीली? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2017 में जब इसे यहाँ लाए थे तो मन में बड़ी शंकाएं थी, क्या ये चलेगा, फूल देगा, क्या पौधा उगेगा, और उगा भी तो क्या फूल देगा, और अगर फूल देगा भी तो क्या बड़ा साइज देगा। पहले साल में हमने कुछ इसके निपुण साइंटिस्टों से चर्चा करी, उनसे हमने सीखा कि कैसे इसकी फील्ड बनानी है, कौन से टेम्परेचर में इसको सो करना है, कौन सा खाद डालना है, किस तरह से इसको ट्रीट करना है, बल्ब को प्याज का बल्ब जैसा है इसका बल्ब उसको कैसे उपचारित करना है ताकि वो मरे नहीं, और कितना पानी देना है, कौन सा टेम्परेचर पे इसे सोइंग करना है और फ्लावरिंग किस टेम्परेचर पे आती है, उसकी जानकारी इकट्ठा करके सारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट NDMC ने अलग अलग जगहों पे इसके एक तरह से एक्सपेरिमेंट फील्ड डाले। पहले साल में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली जैसे डैक साहब ने कहा, और उस सफलता के मद्देनज़र रखते हुए हमें हर साल एक नई चीज़ सीखने को मिली। हमने इसे कोशिश किया कि इसको राइट टेम्परेचर, राइट मॉइस्चर कॉन्टेंट और राइट प्लेस पे लगाया जाए और समय का ध्यान दिया जाए ताकि इसकी ब्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे और एक रंग, एक उमंग और एक साइज़ हमें मिल सके। आप देख रहे हैं यहाँ कितना अच्छा रंग खिला है और अभी तो इसमें मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर हम मेंटेन रखेंगे उतना लंबा चलता है।
सर ये कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन दी होल्डर्स आइज, तो खूबसूरती को जब तक तारने वाला ना हो, देखने वाला ना हो, तो खूबसूरती बेकार होती है। ये चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पर में बच्चे भी आ रहे हैं, तो इसकी खूबसूरती आप क्या देखते हैं? तो ये एब्सोल्युटली आपने सही कहा, बिकॉज अभी स्कूल बंद है, पिछले दो साल से कोरोना की वजह से एवरीबडी है ना, बच्चे रिमेन है ना रिस्ट्रिक्टेड टू होम है, स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन में तो शुरुआत नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो चिल्ड्रंस का मूवमेंट वगैरह आजकल तो आप भी जानते हैं, सभी लोग को जानते हैं कम है, लेकिन इसके अलावा इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स भी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हैं और वार मेमोरियल भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट बंगला के सामने जो अकबर रोड मौलाना आजाद रोड के जो जंक्शन में कितना खूबसूरत तिकोना पार्क में कितना मैं, और यहीं से देखिए लाख लाख लोग देख रहे हैं जो गोल चक्कर में, और सांझीपति में देख लो, और हमारा जो ग्यारह मूर्ति में देखिए, सेंट्रल पार्क में देखिएगा, और विंसर प्लेस में देखिए, मंडी गया उसमें देखिएगा, लाख लाख लोग फोटो खींच रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में कितने सैपलिंग्स इस तरह के होंगे? सो देखो हमें पूरा दिल्ली में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इंट्रोड्यूस किया उसके और आगे बढ़ते आ रहे हैं, इसकी खूबसूरत का पब्लिक की नज़र में लेकर पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ NDMC क्षेत्र में ही है? यस। अरे जो MCD एरिया में आता है उसमें नहीं है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये गर्व की बात है, NDMC कैसे आगे जनित में जारी है, बिकॉज जो वहाँ पर हम कर रहे हैं वो पूरा दुनिया देख रहे हैं आजकल, तो जो इंडिया में जो भी शहर है, जो उसके स्टेट है, लोग हमसे पूछने लगे हैं सर कहाँ मिलेगा, क्या मेरा स्टेट में आएगा, मेरा कैपिटल में आएगा सर, मुंबई में आएगा या पुणे में आ जाएगा सर, हैदराबाद में आ जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा, इसी प्रकार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेटर जो प्लानर है वो पूछ रहे हैं क्या आ सकता है, ताकि वो भी चाहते हैं उनके शहर में इसके इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो इसी बात से हमको क्या लग रहा है, हम NDMC जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक टीम है जो कर रहे हैं, वो बाकी अन्य शहर के एक रोल मॉडल प्ले है। तो NDMC न सिर्फ एशिया की सबसे मालदार इकाई नगर निकाय इकाई है, लेकिन सबसे एक सेंसिटिव इकाई भी है कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि NDMC की पूरी टीम, हॉर्टिकल्चर की पूरी टीम यहाँ पर में उनकी मेहनत दिख रहा है, इसीलिए आज दूसरे राज्यों के लोग भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे वहाँ दिल्ली की तरह ही इस विदेशी फूल को खिलाया जा सके। मनोज मनु, UTV भारत, दिल्ली।